चीता वगैरह हिरन वगैरह तो आते होंगे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल आते हैं। चलो ठीक है अंकल जी, नमस्कार। ये मुझे पता नहीं है। नमस्कार, देवभूमि है, जय श्री। ये पूरा देखो सिनेमेटिक व्यू है गाइस, ये काई जमी हुई है देखो पूरी नदी में, क्योंकि अभी जब पानी का फ्लो आएगा ना पीछे से। ये पूरा मैप है अपना, पूरा जो है सारे जिम कॉर्बेट का ढेला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू AB7000 व्लॉग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली के? तो गाइस आज एक बार फिर नए व्लॉग के साथ में, और आज के इस व्लॉग में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त लोकेशन, जो कि एक आप कहोगे तो हिडन जैम आप बोल सकते हो उसको, हिडन जैम ऑफ उत्तराखंड। तो आप बोल सकते हो गाइस हिडन जैम ऑफ उत्तराखंड। और जिम कॉर्बेट वैसे तो पूरी दुनिया को पता ही है कि जिम कॉर्बेट इंडिया में कहाँ है और क्या लोकेशन है, लेकिन आज मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, आज आपके लिए लेके आया हूँ जिम कॉर्बेट का ही एक ऐसा कोना जो कि अभी तक लोगों के सामने आया नहीं, और सफारी से लेके और वाइल्ड लाइफ तक हर चीज़ यहाँ पे है। मेरे पीछे आप व्यू देख रहे हो, ये उसी का हिस्सा है। अभी चलते हैं आगे, आज पूरा आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा सन्नी अम्बावता व्लॉग, ये रहा सन्नी, चलें रेडी? तो भाई ज़बरदस्त लोकेशन होने वाली है, गाड़ी अपनी वो खड़ी है। स्टार्ट करो थोड़ी, 30 सेकंड तक स्टार्ट रहने देना। और ये देखो एक पत्थर पे खूबसूरत सी पेंटिंग बनी हुई है टाइगर की, ठीक है। और ये जो जगह का नाम है ना कालागढ़ टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट का ही जो ये पार्ट है। और अभी चलते हैं, इसका पूरा आपको मैं ट्रिप कराता हूँ, वाइल्ड लाइफ भी दिखाता हूँ, सफारी गेट भी दिखाता हूँ, सारी चीज़ दिखाता हूँ। चलें भाई, चलो। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार, खमा गाड़ी कहाँ जा रहे हो? गाड़ीपुर। अच्छा आप गाइड हो? गाड़ीपुर, गाड़ापुर जा रहे हैं। चलो गाड़ी, अच्छा गाड़ापुर, चलो हम तो यहीं जा रहे हैं, मुझे लगा आप थोड़ा वैसे हमें बताओ। यहाँ पे आप रुको ना एक बार, यहाँ पे टाइगर वाइगर दिखता नहीं दिखता? अच्छा नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो दूसरे गांव का हूँ। अच्छा दूसरे गांव के हो? हाँ। तो नेचर बहुत बढ़िया है यहाँ का ना? यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। चीता वगैरह हिरन वगैरह तो आते होंगे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल आते हैं। चलो ठीक है अंकल जी, नमस्कार। देवभूमि है, जय श्री। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ, जो मैंने बताई थी आपको ये लोकेशन जो है ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट का ये एक पार्ट है जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड अनटच जंगल है, लोगों के सामने आज तक आया नहीं है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ उसके जो सफारी का जो गेट है, जहाँ से उसकी स्टार्ट होती है सफारी, जो गेट का नाम है वो है मेदाबन। और ये रहे मेरी टीम, देखो सोनू सन्नी अम्बावता, हाय। हेलो हाय, कैसा लग रहा है मौसम? बढ़िया। मनीष भाई कैसा लग रहा है मौसम? और ये खड़ी अपनी गाड़ी, और ये टाइगर रिजर्व जो है एक फॉरेस्ट वालों का ही बना हुआ है। देखो यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ से ये लिखा हुआ, और सामने जो है ये गेट है, यहाँ से इसकी जो सीमा प्रारंभ है। तो ये एक ऐसा जंगल है दोस्तों जो बचा हुआ है, आज तक लोगों के सामने आया नहीं है। और इधर देखोगे आप तो देखो पूरा मतलब क्लीन रोड, आपको ट्रैफिक से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो है ही नहीं। और ये सामने देखो पत्ते गिर रहे हैं ना, तो ट्रैफिक का जहाँ पे मूवमेंट होता है वहाँ पे वो एक्सप्लोर हो रखी है जगह, ऐसे जिम कॉर्बेट है। ये देखो ये कॉर्बेट रिजर्व, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। देखो ये पूरा मैप है अपना, पूरा जो है सारे जिम कॉर्बेट का ढेला, ये ढेला आ गया देखो, जो कि जिम कॉर्बेट रामनगर वाला है। ये झिरना आ गया, ये कालागढ़, ये मैप है इसका, पूरे कॉर्बेट का जो मैप है ये मैप है, ठीक है। ये रानीखेत चला जाता है ऊपर यहाँ से रोड, अल्मोड़ा चला जाता है, भवाली कैची धाम चला जाता है, नैनीताल चला जाता है। तो जिम कॉर्बेट, लोगों को लगता है कि जिम कॉर्बेट सिर्फ और सिर्फ रामनगर तक ही सीमित है, लेकिन जिम कॉर्बेट जो है वो 500 किलोमीटर में पूरा जंगल फैला हुआ है, और उसके अलग अलग गेट है, ढेला, झिरना, सीतावनी और बिजरानी, और ये मैदावन हो गया, एक वत्सवना गेट हो गया जो भी जो कि यहाँ पे है। और ये जो जगह पड़ती है जो कालागढ़ वाला जो टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट का जो पार्ट है, ये पड़ता है अपना लैंसडाउन से ऊपर जब आओगे तो रथवा ढाब एक जगह पड़ती है, दुगड्डा क्रॉस करने के बाद तो रथवा ढाब एक जगह पड़ती है जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने वहाँ पे एक लैंड भी लिया काफ़ी, जो कि वो रिजॉर्ट वगैरह प्लानिंग कर रहे हैं, कॉटेज वगैरह, वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो पूरा जंगल, और इतनी मतलब कि वन ऑफ द फाइनेस्ट वन ऑफ द ब्यूटीफुल जंगल जो है ये कालागढ़ रिजर्व का है। अभी चलते हैं, आपको थोड़ी सी चीज़ें और दिखाता हूँ इसमें। और गाइस अगर हम जंगल की बात करें तो बिल्कुल शांत जंगल है, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट कम है। और ये देखो कालागढ़ टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। और गेट दिखाता हूँ, प्रभाग लैंसडाउन और रामनगर उत्तराखंड, यानी कि जो ये गेट है ना, ये रोड जो जा रहा है सामने, ये सीधा और सीधा रामनगर जिम कॉर्बेट की तरफ जा रहा है। तो जिम कॉर्बेट एक अपने आप में इतना बड़ा जंगल कहा जाता है, माना जाता है, जो कि एशिया के सबसे बड़े जंगलों में सबसे ऊपर आता है। तो अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे, और यहाँ से आगे जाएंगे अभी देख दिखाता हूँ आपको कि आगे क्या एडवेंचर होने वाला है। थाना लगता है यहाँ पे, धूमा कोट, येरा सामने,
तो अभी जब आगे चलते तो आगे चल के मिलते हैं गाइस। और ये देखो पहाड़ देख लो आप, व्यू देख लो, वो अपनी गाड़ी खड़ी है सामने। तो गाइस अभी ये दिखाने के बाद अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ और आपको दिखाता हूँ, कुछ नदी भी बीच में पड़ती है जो कि अभी तो कम उसमें वाटर जो लेवल है वो कम है, और उसमें देखते हैं अगर कुछ मिलेगा थोड़ा एडवेंचर वहाँ करेंगे। और अभी एक दो चीज़ें और आपको रास्ते में दिखाता हूँ मैं। और ये देखो क्या गाइस, क्या मस्त पत्ते उड़ रहे हैं, देखो पतझड़ का मौसम है ना, तो अभी जंगल कटने पे है, अभी सूखा हुआ है, तो ये देखो पत्ते क्या उड़ रहे हैं, मस्त व्यू हो रहा है, मौसम बहुत मस्त हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। लेकिन अभी आगे चलते हैं, अभी आगे और देखते हैं, कुछ एडवेंचर आपके लिए लेके आते हैं इसी ब्लॉग में। मस्त सीरीज होने वाली है हमारी, बढ़िया मज़ा आ रहा है उत्तराखंड में, बहुत ज़बरदस्त। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हो अंकल? यहीं के रहने वाले हो? मस्त लाइफ है आपकी, है ना, बढ़िया वातावरण, बढ़िया वातावरण। तो गाइस देखो मैं खड़ा हुआ हूँ अभी यहाँ पे, मुझे लोकल लोग मिले, इनकी मस्त लाइफ है बिल्कुल। एक बार हाय बोल दो मेरे साथ, है ना। तो हम दिल्ली से हैं, उत्तराखंड से, लेकिन हैं हम हिंदुस्तानी सारे, है ना। तो आप लोगों की मुझे मस्त लगती है वैसे लाइफ में, सच बताऊँ ना, कोई ना तो ज़्यादा कुछ लालच पैसे का कमाने का कुछ नहीं, अपना खाना खाओ, सुबह की रोटी खाओ, दिन में अपना वातावरण के मज़े लो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी उत्तराखंड में 8-9 साल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप दिल्ली आए हो कभी आप? लेकिन बिल्कुल बकवास लगती होगी लाइफ आपको, है ना, बट क्या करें, मजबूरी है। बट मुझे गाइस इतना प्यार है उत्तराखंड से, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे 8-9 साल हो गए काम करते हुए, होटल का काम भी किया, रिजॉर्ट का भी, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, देखो अंकल हंस रहे हैं जाते हुए, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, नैनीताल में भी हैं, रामनगर में भी हैं, अल्मोड़ा में भी हैं, बट मज़ा बहुत आता है भाई उत्तराखंड में, मतलब मैं बहुत मिस करता हूँ। अभी दिल्ली जाऊँगा ना तो 10-15 दिन मुश्किल रुकूँगा, फिर दोबारा से उत्तराखंड आ जाऊँगा, बहुत मज़ा आता है। तो धन्यवाद आपको हमारे साथ थोड़ी सी बात करने के लिए अंकल। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी आपका? पंचम सिंह। पंचम सिंह, बहुत खतरनाक नाम है पंचम सिंह। ये सोनू सिंह है हमारे दिल्ली से। चलो ठीक है, मिलते हैं, ध्यान रखो। चलें सोनू भाई, चलो स्टार्ट करो गाड़ी, चलते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं अभी, फिर आगे मिलते हैं ना, ठीक है जी, ओके धन्यवाद, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो गाइस ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये एक रोड जा रहा है नीचे की तरफ, इसको देखते हैं इसमें क्या है, क्या एडवेंचर है। सोनू घुमा ले, देख के आएंगे नीचे, आ जा नीचे देखेंगे क्या है, घुमा दे पूरी घुमा दे नीचे, शायद वो पुल जो है ना नदी वाला, गाइस वो नदी वाला जो पुल है शायद नीचे, एक बार चल के देखते हैं। तो गाइस देखो ये बैराज आ चुका है, लेना सोनू आगे जरा, नदी के लिए यहाँ से उतरेगा या राइट से उतरेगा? एक बार चले आगे होगा, राइट से उतरेगा, राइट से तो यार छोटा रोड दिख रहा है, चलो उतर जाएगी राइट से, उतर जाएगी, देखें एक बार आगे, मैं देखूं उतर के देखता हूँ, जा मैं देख लूँ एक बार उतर का, है ना, गाड़ी उतरेगी ना उतरेगी, देखते हैं। नदी पानी तो उस तरफ है यार, पानी है नहीं इसमें। गाइस देखो ये बैराज आ गया और नीचे नदी है, पानी कमी दिख रहा है वैसे, देखते हैं वैसे उतरने का फायदा है नहीं मुझे लग रहा है, इधर तो पीछे सूखी पड़ी है, देखो और यहाँ पे दिख रहा है पानी, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है पानी। और आप पुल भी देखोगे ना, जो ये बैराज जो बना हुआ है ना, ये पुल भी अगर आप देखोगे ना, ब्रिज जो है ये बहुत पुराना बना हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि अनएक्सप्लोर्ड जगह है, अनएक्सप्लोर्ड टच जंगल है, अनटच जंगल है जिम कॉर्बेट का जो पार्ट है, तो यहाँ पे इतने कुछ है नहीं। अगर कॉर्बेट जाओगे, जिम कॉर्बेट रामनगर वाला, तो वहाँ पे तो पूरा चमक हो रखी है पूरी, तो धीरे धीरे यहाँ भी डेवलपमेंट आएगी, अनटच जंगल है बिल्कुल, देखो सारा सारी तरफ व्यू, यहीं आ जाओ गाड़ी खड़ी करके सनी, हाँ गाड़ी खड़ी करके आ जाओ यहीं पे। तो ये देखो गाइस, और बिल्कुल मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं, लोग ही नहीं है यहाँ पे, हमें यहाँ पे गाड़ी नहीं दिख रही, हम घूमे जा रहे हैं। एक नदी का सिनेमेटिक व्यू मैं लेके देखता हूँ गाइस कैसी दिखेगी नदी, वैसे तो काई जमी हुई है, ये देखो ये पूरा देखो सिनेमेटिक व्यू है गाइस, ये काई जमी हुई है देखो पूरी नदी में, क्योंकि अभी जब पानी का फ्लो आएगा ना पीछे से, तो ये पूरा साफ हो जाएगा देखो। और देख दे उड़ रहा, देख बाज, ओ हो गया बाज, गाइस बाज आ गया देखो यहाँ पे, तो नदी का क्या कह रहे हैं मनीष भाई, कितना पानी आ रहा है, हाँ ठंडा पानी, ठंडा देखो हवा, देखो कितनी ठंडी आ रही है। सोनू अगर आज यहीं सोने का मिल जाए तुझे मौका, मजा आ जाएगा ना इसी पुल पे गाइस, यहाँ सोने का मौका मिल जाएगा, गाड़ी वाड़ी तो आनी रही अपना यहीं अपना करके। तो गाइस ये थी नदी, ज़्यादा पानी है नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे जब पानी आ जाएगा। अभी चलते हैं हम अपना होटल की तरफ जहाँ पे हम रुके हुए हैं, लंच करेंगे वहाँ पे, फिर मिलते हैं गाइस। देखो बिल्कुल मज़ा आ गया, लेकिन
मेमने मिल गए, मेमने मेमने, ये देखो भेड़ बकरियां मिल गई गाइस, भेड़ बकरियां। हेलो, ये देखो गाइस, देखो कितनी प्यारी चिड़िया दिखी है, देखो रास्ते में ब्लू कलर की बिल्कुल, देखो ये हमें देख के थोड़ी सी ऊपर पहुंच गई, ये देखो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने होटल में जहां हम रुके हुए हैं और खाना हमारा रेडी है गाइस। लंच लंच दिखाता हूँ आपको, दिखाना भाई क्या क्या बना है। ये देखो घी डालते हुए कड़ी चावल, और आज हमने रोटी बनवाई है बढ़िया। सोनू भाई रेडी हो लंच के लिए? हाँ हाँ, आ जाओ आप यहाँ। और व्यू दिखाता हूँ, देखो धूप निकली हुई है वैसे तो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे धूप है अभी। और तो अभी गाइस अभी लंच करते हैं, फिर बैठेंगे अपना व्लॉग एडिट करने पर, फिर नेक्स्ट व्लॉग के लिए भी निकलना है, आज ही निकलना पड़ेगा हमें, क्योंकि काफ़ी लंबे व्लॉग्स होते हैं ना यहाँ पे, और डिस्टेंस तय करना पड़ता है अलग अलग जगह पे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, लंच कर लेते हैं, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना गाइस। बाय बाय गाइस, लव यू।